ये हमारी फैमिली थी, है, रहेगी, आज से नहीं 30 साल से थी, लेकिन बहुत बचकाना ढंग से और बहुत बहुत ही अमैच्योरिश वे से जिसकी आप बात कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ राहुल और बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा में। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं उनकी तारीफ जितनी भी करूं शायद मेरे शब्द कम पड़ जाए लेकिन तारीफ खत्म नहीं होगी। जी हाँ, फिल्म और टीवी जगत के इकलौते कलाकार जिन्होंने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के दिल में एक अलग पहचान बनाई, आपके शक्तिमान, आपके भीष्म पितामह, वन एंड ओनली मिस्टर मुकेश खन्ना सर। तो चलिए बिना कोई देर किए मिलते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द फिल्मी चर्चा में। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बस कोरोना से सब परेशान हैं, तो हम भी कोरोना से कुछ तो परेशान हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कोरोना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ऐसा अच्छा माहौल मिला है कि हम वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो शायद हम पहले भागदौड़ की ज़िंदगी में नहीं कर पाते। तो मैं बाहर नहीं निकलता, मैंने अभी तक कोई शूटिंग नहीं शुरू की है। तो सर सवालों का दौर शुरू करें जी। पहला सवाल सर, पूरी दुनिया आपसे प्यार करती है, आपको अपना आदर्श मानती है, ऐसे में आप किस तरह की कोशिश रहती है आपकी कि कुछ ऐसा गलत ना बोलूं ना करूं जिससे आपके फैंस को ठेस पहुंचे? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है आज के इस माहौल में कि अपने आप को संयम रखना और सोच के बोलना। मैं भी कई अपनी वीडियोस अपने चैनल में बोल चुका हूँ कि बोलने से पहले सोचो, अफगानिस्तान की या तरह न बन जाओ कि पहले एक्शन करो और फिर सोचो अरे मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, तो मैं लेकिन मुझे एक और बात कहनी है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको मुझे अगर अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है या अपने आप को मुझे प्रेजेंट करना है तो मुझे कॉन्शियस रहे कि भी मैं भीष्म पितामह भी हूँ और शक्तिमान भी हूँ। तो मुकेश खन्ना या तो भीष्म बन के बात करे या शक्तिमान बन के बात करे, ऐसा नहीं है मेरे लिए। वो एफर्ट करना कोई ज़रूरी नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि मैं एफर्ट करोगे तो पकड़े जाओगे। लोग कहते हैं कि आप अपने दिल से बोलते हो, तो मैं दिल से बोलता हूँ। तो और मेरे अंदर वो ऐसा कुछ है नहीं जिसे मुझे छुपा कर लोगों को करना है, शायद इसीलिए मुझे एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। तो इसीलिए मुझे पता है कि क्या मैं दुनिया के सामने बोल रहा हूँ। असर, दूसरा सवाल ये है कि जिस महाभारत की ऑन स्क्रीन फैमिली के एकता की गुणगान पूरे विश्व भर में होती थी, उस फैमिली में आज दरार हो गई है, क्या आप इसे होने से रोक सकते थे? देखिए, एक मशहूर कहावत है कि डोंट वॉश योर क्लोथ्स इन डर्टी क्लोथ्स इन द मार्केट, यू नो, आप अपने घर की ये हमारी फैमिली थी, है, रहेगी, आज से नहीं 30 साल से थी, लेकिन बहुत बचकाना ढंग से और बहुत बहुत ही अमैच्योरिश वे से जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जो कुछ जो पॉइंट रेज किया है, क्योंकि अगर देखा जाए सब लोग अगर जो पूरी जिसको फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा 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 निशाना था कपिल शर्मा शो, जिसको मैंने कहा बहुत बेहूदगी से भरा हुआ है, बहुत डबल मीनिंग का है, अश्लील है, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं वहाँ जाने की बात था, मैंने जाऊँगा भी नहीं। और तुझे और अब बात उठी कि मुकेश खन्ना को इन्वाइट क्यों नहीं किया, जिसका मुझे आंसर देना पड़ा भी है। मैंने कहा कि अभी ये लेकिन चक्कर ये कि यहाँ से कोई जवाब नहीं आया, जिसकी तरफ मैं पिस्तौल या तीर या देख रहा हूँ, लेफ्ट साइड से एक शख्स खड़ा होकर बोलता है कि नहीं नहीं, मुकेश को तो शायद अंगूर नहीं मिले इसलिए खट्टे लग रहे हैं, क्या मुकेश को तो इनवाइट ही नहीं किया गया था। जो रिएक्शन उसको देना ना शो उसका है, वो सिर्फ एक गाड़ी में चढ़ उसी फ्लो में उसी शो में एक पैसेंजर है जो चढ़ गया है। और उसके बाद में ना मैंने कोई आप लोगों के परफॉर्मेंस की बात की, ना मैंने कहा कि इसमें अर्जुन अच्छा गाना गाया या कृष्ण अच्छा बोले या युधिष्ठिर ने कैसा बोला या मतलब मेरे या दुर्योधन ने कैसा बोला। मैंने देखा वो प्रोग्राम, क्योंकि मैं उसके पहले के रामायण के बारे में देख चुका था, जिसमें राम को बहुत बेहूदगी से भरा हुआ एक सवाल पूछा गया था कि अगर आप बीच पे ना रहे हो तो उसके बाद में मुझे समहाउ इस प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं लगी थी। लेकिन फिर भी मैंने ये जब पॉइंट उठ गया कि भाई कि भाई आपको क्यों नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं शायद मैं चुपचाप बैठ जाता, लेकिन एक ने एक नारद टीवी है, पता नहीं कौन सा टीवी है, उसमें से शुरुआत हो गई, मुकेश खन्ना को क्यों नहीं बुलाया गया। अब मुझे आंसर देना पड़ा, भैया देखो प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं जाना चाहता था इस प्रोग्राम में। ये भी सच है कि
मेरे भीष्म पितामह के बगैर जो है महाभारत पूरी नहीं होती। तो कोई भी अगर आदमी फंक्शन भी करे या कोई भी अगर प्रोग्राम करे तो सबसे पहले वो चंद लोगों के नाम आते हैं वो तो होने ही चाहिए। हाँ, मैंने मना कर दिया और मैं नहीं जाना चाहता था। तो जो ये जो आज एक जो वर्ड्स की जो मेरे और उनके बीच में ये मैंने अपने एक वीडियो में भी कह दिया है, मैंने कहा देखिए अभी मैं वो भीष्म पितामह नहीं हूँ जिसको आप बाणों के मारते रहो, मैं शैया पर सो जाऊँगा। उस वक्त जो बाण चले थे वो अर्जुन के चले थे और वो अर्जुन के बाण भी थे वो स्नेह से चले थे और भीष्म ने खुद कहा था चल मार मेरे को। लेकिन आज के युग में अगर कोई अनफेयरली तीर मारता है तो मुकेश खन्ना उसको लाइंग डाउन नहीं लेगा। मुझे समझाना पड़ा कि तुम्हारी क्या हैसियत है और मेरी तुम्हारी, मैंने बातों से मैं भी बहुत कुछ कह गया, मुझे कहना पड़ा, मुझे अफसोस है, हमें ये इस वॉर को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। पर मैंने अभी पिछले अपने दो वीडियो में जितना कुछ मेरे अंदर था मैंने बोल दिया, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पा रहा। हाँ, और मैं भी समझता हूँ उसको भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कई लोगों ने कहा सर आप क्यों बोल रहे हैं खामखा। वो मुझसे कहता है कि मैं ले रहा हूँ लाइमलाइट उन लोगों की बात करके प्रोमिनेंट लोगों के, मैंने समझाया कि क्या प्रोमिनेंट यार कौन है वो लोग। पर मुझे अब ये कहना पड़ रहा है कि तुम मेरे गरम गरम तवे के ऊपर रोटियां सेक रहे हो, तुम्हारा आने का मतलब क्या था बीच में। सो आई हैव नॉट लाइक्ड व्हाट ही सेड, इट इज़ सेड इन इवन नीतीश कृष्ण ने भी कमेंट किया, इवन मुझे चारों पांचों आर्टिस्टों ने मेरे को बताया कि हम सब लोगों ने जॉइंटली कंडेम किया है जो कुछ भी धर्मराज ने कहा है, आपके नहीं बोलना चाहिए था। तो उसके बाद भी अभी तक मुझे समझ रहा है, क्योंकि कल ही मैंने एक पोस्ट पढ़ी है, अभी तक भी उसको समझ नहीं आ रहा है, वो छोटी छोटी बातों में मुझे उलझाना चाहता है। मुकेश खन्ना ने तो किसान टीवी के जब मैं चेयरमैन था तो मेरे को फ़ोन किया था कि मेरे को कोई प्रोग्राम पे सवाल भी था, आप पूछिए मैं जवाब देता हूँ उसका। उनका आरोप है कि उन्होंने डीडी किसान जब वो थे चेयरमैन थे वहाँ पे तो आपने अप्रोच किया था कि आपके सीरियल पास करवाए, तो उन्होंने ये भी जवाब दिया था आपको कि आपकी सीरियल आपके मेरिट के बेस पे पास होगी ना कि हमारे रिलेशन के बेस पे। अच्छी बात कही उसने, मेरिट पे पास होनी चाहिए, पर उसको ये भी समझना चाहिए और दुनिया को भी ये समझना चाहिए कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कहना कि मुकेश खन्ना के फोन के रिकॉर्ड चेक कर लो आपको मालूम पड़ेगा मुकेश खन्ना ने, अरे भाई मैंने मना कहा कि आपको जो आप मेरे रिकॉर्ड चेक करो, आज ही कोई जमाना हो गया इन्वेस्टिगेशन का जो चल रहा है SSR मर्डर के केस के बाद, उसके रिकॉर्ड चेक करो। अरे बाबा रिकॉर्ड क्यों चेक करते हो, हाँ मैंने फोन किया था भैया, सब फोन करते हैं, तुमने भी किया होगा मेरे को बहुत साल पहले किसी ने किसी काम के लिए। दोस्त का मतलब क्या होता है, मैं भी चेयरमैन था, मेरे को भी कई लोगों के फ़ोन आते थे कि भाई मेरा ये है, और मैंने कोई अपने लिए शो नहीं मांगा था, मेरे कलीग का शो था और उसने कहा कि इस वक्त हो रहा है इस वक्त गया है। तो मैं तो दूरदर्शन से 20 साल से जुड़ा हुआ भैया, मुझे मालूम है कैसे फंक्शन करते हैं वहाँ पर। तो मैंने एक फ़ोन कर दिया, मैंने कहा भैया ऐसा है देखना वो प्रोग्राम अच्छा है, मैंने रिकमेंड किया को, मैंने ये नहीं कहा कि बेकार प्रोग्राम है और तुम पास कर दो और वो अपने आप को धर्मराज बता रहा है, नहीं मेरिट से पास किया जाएगा। अरे साहब बट इट्स ये देखिए एक बहुत छोटा सा तीर जो उसने अभी मारा जाके, पहले तो उसने पूरे तीरों के अमेचुरिश तीर मार के मेरे को इतना मतलब मुझे इतना गुस्सा आया कि क्या बोलना चाहता है, फ्लॉप एक्टर है मुकेश खन्ना। फिर कहता है कि मुकेश खन्ना को अब बोलता है मुझे महाभारत का पूरा ज्ञान है, PhD नहीं किया था उसने। फिर उसके बाद में वो कहता है कि जिसके गिलास के घर होते हैं दूसरे पर पत्थर नहीं मारते, क्या ताल्लुक है इसका। आओ मैं तो साफ बोल के अपने डिवीजन में आओ धर्मराज जी शास्त्रार्थ करते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या और मेरे पास क्या, किसके ग्लास शीशे के वो भी देख लेते, चलिए तुम्हारे कबर्ड में क्या मेरे कबर्ड में क्या, मैंने 200 मैंने 60 फिल्में किए तुमने 700 फिल्में की, चलो रिकॉर्ड देखते हैं। सो यू नो ये अननेसेसरी एक वाद विवाद शुरू हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे कि अभी आपने किसान टीवी को लेकर बात कर दी, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं जो मुझे बचकाने लगते हैं और लगता नहीं है कि वो धर्मराज से कुछ सीखा है इन शख्स, कुछ नहीं सीखा है इसने। जो नीतीश ने भी कहा कि आपको कैरेक्टर जो करते हो उससे कुछ इम्बाइब करना चाहिए, ये पुरानी बात जो बहस जिस चीज को लिए मुद्दे से वो और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर, और सबसे बड़ी बात जो हमने कह दी कि तेरा वहाँ से प्रोड्यूसर कुछ मेरे को बोल सकता था, वहाँ से कपिल शर्मा मुझे बोल सकता था, तुम क्यों कर रहे, ऐसा लग रहा है कि तुम तारीफ करना चाहते हो और मुझे भी बोलना पड़ा एक बेहूदगी वाली बात। मैंने कहा ऐसा लगता है कि तुम प्रोड्यूसर को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें कुछ काम मिले, जो मुझे नहीं, मैं बोलता नहीं, मेरी लैंग्वेज नहीं है। बट उन्होंने जब मेरे को कहा कि मैंने दो बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोगों को और लेता रहे थे मुकेश खन्ना प्रोमिनेंट लोगों के नाम ताकि उसको वो लाइमलाइट में रहे, अरे बाबा 1990 में भी मैं लाइमलाइट में था, 2020 में भी लाइमलाइट में हूँ, आज भी शक्तिमान चल रहा है, चल चुका है, चलेगा। व्हाट इज लाइमलाइट,
मैं उसके शख्स के खिलाफ बात कर रहा हूँ जिसने ड्रग्स की या तो इन्वॉल्व की बात हुई या किसने महाभारत को छेड़छाड़ की।